हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम तरुण अग्रवाल है। आप सभी का स्वागत करता हूँ एसएससी जेड्डा के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। गाइस, जैसे आपको पता है आज परसेंटेज पार्ट 5 है। कुछ क्वेश्चन आपके कल रह गए थे, एक दो क्वेश्चन उनको डिस्कस करते हैं, फिर एक नए कंसेप्ट को हम लोग सीखेंगे आज। आप बने रहिएगा वीडियो में बच्चों, शुरू से लेकर एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज आपकी क्लास क्या है? आज क्लास 5 है परसेंटेज की। देखो, जितना मैक्सिमम कंसेप्ट हो सकते हैं बच्चों आपके इस एग्जाम के लिए, सीएचएसएल के लिए, मैं सारे के सारे कराने का आपका पूरा पूरा प्रयास करूंगा। बस आपसे सपोर्ट क्या चाहिए, आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, जिससे कि मैं वीडियो को कंटिन्यू करता रहूँ आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, चलिए। जैसे आपको पता है बच्चे, एक एग्ज़ाम हमारा, जो टारगेट हमारा है यूपीपीएससी का 2020 का प्रीलिम्स का पेपर 1 पेपर 2 का, इसका हम पूरा बैच लेके आ रहे हैं। आपकी सब नॉन फैकल्टीज़ हैं एसएससी अड्डा की, ठीक है गाइस। और 13 मई को ये बैच स्टार्ट हो रहा है और 4 से 7 आपका ये बैच है। ठीक है, आपको कुछ भी चीज़ अगर परचेस करनी है तो आप U195 कोड लगा दीजिएगा और यहाँ पे आपको 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा। याद रखिएगा, U195 वाला फैकल्टी कोड है बच्चे ये मेरा। ठीक है, चलिए। इस बच्चे इसको ना ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें 30% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है और 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप ये वाला कोड लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये वाला कोड जो मैंने आपको उससे पहले बताया U195 कोड लगा देते हैं तो आपको यहाँ पर 30% की जगह 32% का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा और 5% एक्स्ट्रा ऑन ऐप। कुछ भी चीज़ की परचेज, कुछ भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com के पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको महापैक लेने हैं, लाइव क्लासेस लेनी है, टेस्ट सीरीज परचेस करनी है, वीडियो कोर्सेज परचेस करने हैं, ई बुक्स परचेस करनी है तो आप वहाँ पर जाकर परचेस करने हैं। तब भी कोई अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पर जो काउंसलिंग नंबर दिया हुआ है यहाँ पर आप मिस कॉल करिए इस वाले नंबर पर। ठीक है बच्चे, इस वाले नंबर पर आपको क्या करना है, मिस कॉल करना है। ठीक है, चलिए। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन समझना। द प्राइस ऑफ द शुगर इज इंक्रीज्ड बाया 16.23% एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज्ड बाया 20%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। चीनी की कीमतों में 16.23% की वृद्धि हो जाती है, एक परिवार की खपत 20% कम हो जाती है तो वे में कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा, कितने परसेंट का चेंज आएगा। तो आप अच्छी तरह जानते हो बच्चे, आप अच्छी तरह जानते हो कि जो मूल्य होता है ना, मूल्य, अगर मैं मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो खर्चा आ जाता है। ठीक है, अगर मैं मूल्य में खपत का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो क्या आ जाता है बच्चे, खर्चा आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ प्राइस, थोड़ा सा फॉन्ट टेढ़ा जा रहा है, एक सेकेंड रुकिए, मैं लिख देता हूँ। जैसे आपका जो है प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मूल्य मूल्य गुणा खपत बराबर खर्चा। ठीक है, आप जितना भी जो भी चीज़ आप परचेज करते हो उसका जो भी मूल्य हो, जितनी चीज़ लाते हो उनका गुणा करेंगे तो आपका खर्चा ही तो आएगा बच्चे। जैसे आप एक चॉकलेट लेके आए, एक चॉकलेट 5 रुपये की है और आप 2 चॉकलेट खा गए तो आपका खर्चा कितना हुआ, 10 रुपये हुआ, नहीं हुआ। तो 5 रुपये क्या था चॉकलेट का प्राइस, 2 क्या है आपकी खपत और 10 क्या है आपका खर्चा। तो अगर आप प्राइस में कंजम्पशन का मल्टीप्लाई कर देते हैं वो खर्चा आता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो याद रखिएगा, प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर क्या होता है बच्चों, एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ लिखते हैं पुराना और यहाँ लिखते हैं नया, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, प्राइस कितने परसेंट बढ़ी बच्चे, 16.23% बढ़ी। आप अच्छी तरह जानते हो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो 5 से प्राइस कितनी होगी बेटा, 6 हो गई। ठीक है, बढ़ गई तो ऊपर वाला प्लस होता है, 5 से 6, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी बच्चे, नीचे वाला आपका क्या हुआ, ओरिजिनल हुआ, तो ये 6 से 7 हो गई, 6 से क्या हो गई 7 हो गई, प्राइस हो गई 6 से 7। कंजम्पशन देखो 20% डिक्रीज हो गई, 20% का मतलब होता है 1/5 माइनस, मतलब 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो पहला खर्चा आपका 30 था और आज आपका खर्चा 28 है। ठीक है, तो खर्चा पहले 30 था, आज खर्चा 28 है, तो खर्चा कितना कम हुआ, -2, खर्चा 2 रुपये कम हो गया, तो कितने परसेंट कम हो गया, तो 2/30 × 100, 0 से 0 गया। 20/3 का मतलब होता है 6.23% डिक्रीज, डिक्रीज में मतलब एरो नीचे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बस आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है बच्चे, बड़े आसानी से चीज़ों को फिर आप डील कर पाओगे, मेरी बात समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी प्रकार का बच्चे? प्राइस जो है 16.23% बढ़ी थी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, मतलब 6 से कितनी हो गई आपकी, 7 हो गई।
प्राइस और कंजम्पशन कितना घटा था 20%, 5 से कितना हो गया 4 हो गया, गुणा कर देंगे 6 पंजे 30 और 7 चौक 28, 30 से 28 हो गया, 2 की कमी आ गई, 2 की आपकी कमी आ गई, 2 की कमी कितनी से बेटा 30 से, 2/30 मल्टीप्लाई, सो आंसर हो गया 62/3%। नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द सेल्स ऑफ द सिनेमा टिकट्स इज डिक्रीज्ड बाय 57/7%। जो सेल्स थी ना टिकट की, वो इतने परसेंट बढ़ गई, तो हुआ क्या, हुआ क्या बच्चे, प्राइस ऑफ द टिकट, प्राइस ऑफ द टिकट भी आपने बढ़ाया कितना बेटे 16/3%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इज रेवेन्यू, सिनेमा टिकट की बिक्री 57/1/7% में वृद्धि हो गई और कीमतों में भी, टिकट की कीमतों में भी इतने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो आपको पूछा राजस्व में कितने परसेंट का चेंज आएगा, ठीक है, ज्ञात कीजिए, परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो वही चीज़ करेंगे, सबसे पहले आप ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्राइस गुणा सेल बराबर रेवेन्यू, लिख सकता हूँ बच्चे, प्राइस गुणा सेल बराबर रेवेन्यू, ठीक है। जैसे एक एक जैसे एक टिकट 10 रुपये की है और आप 5 टिकट बेच रहे हो, तो आपका रेवेन्यू 50 होगा नहीं होगा, तो प्राइस इंटू सेल्स बराबर रेवेन्यू, ठीक है, ये आपका पुराना और ये आपका नया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो प्राइस, पहले प्राइस पे खेलते हैं, प्राइस कितने परसेंट बढ़ी थी, 16/2/3% बढ़ी थी, तो 16/2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो मैं कह सकता हूँ प्राइस आपकी 6 से कितनी होगी 7 हो गई, ठीक है बच्चे। अब देखते हैं सेल पे खेलते हैं, सेल कितने परसेंट बढ़ी थी टिकट की, 57/1/7%, तो 57/1/7% का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बेटा 4/7। ये कल भी आया था, फ्रैक्शंस को याद होना चाहिए आपको, 4/7। तो अगर पहले 7 टिकट बिकती थी, अब आपकी कितनी बिक पा रही हैं बच्चे, 7 और 4 11 टिकट बिक पा रही हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। इसको आप क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैंसिल आउट कैसे, कैंसिल आउट कैसे कर सकते हैं, या तो सीधे गुणा कर दो या कैंसिल आउट कर दो, तो ये वाली वैल्यू इससे कटती है और ये वाली वैल्यू इससे कटती है, तो देखो 7 से 7 कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये 6 बचा, यहाँ पे 5 बचा, तो रेवेन्यू पहले 6 था, अब हो गया रेवेन्यू 5, सॉरी 5 क्यों हुआ, 11 हुआ ना, ये 11 हुआ बच्चे, ये 11 होगा, ठीक है, ये 11, ठीक है, तो 6 से 5 हो गया, 11 हो गया, तो रेवेन्यू कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया रेवेन्यू, तो कितने परसेंट का चेंज आया रेवेन्यू में, 5/6 × 100, तो उसको कैंसिल आउट करोगे 50 और ये आपका 3, तो आपका आएगा 250/3, इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 83/1/3% आपका रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया। भैया रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, प्राइस भी बढ़ा रहे हो, टिकट्स की सेल भी बढ़ रही है, टिकट की रेवेन्यू तो बढ़ना ही बढ़ना है आपका, समझ में आ गया। तो कितना परसेंट रेवेन्यू बढ़ा है आपका बच्चे, कितना परसेंट रेवेन्यू बढ़ा है, 83/1/3% का रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है बच्चे, बिल्कुल एक ही पैटर्न पर क्वेश्चन था, नंबर ऑफ टाइप थे, तो देखो एक ही पैटर्न पर, एक ही कंसेप्ट पर मैंने आपको ये दो क्वेश्चन डील करवाए थे, क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब बस बने रहिए बच्चों, एक एक कंसेप्ट को मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा, क्रिस्टल क्लियर आपको फील करवाऊंगा, मैथ्स को रटवाऊंगा नहीं बिल्कुल भी, आप बस वीडियो को प्यार करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। बेटे देखो लाइक और शेयर से कुछ हमें मिलता नहीं है, ठीक है, एक मोटिवेशन मिलती है कि बच्चे हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, एक एक प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ आगे आप और अच्छा करो, आप और अच्छा करो। जैसे अगर आप मेरी वीडियो को पसंद करोगे तो मेरे अंदर एक अलग से प्रोत्साहन आएगा कि आगे और अच्छा देना बच्चों को, और प्यार करोगे और अच्छा देना, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती हैं बच्चों की भी और फैकल्टी की भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नया क्वेश्चन आया है, बोला जा रहा है, देखो हिंदी में पढ़ता हूँ आपके लिए, अंगूर में 68% पानी है जबकि किशमिश में 20% पानी है, ठीक है, तो 250 किलो अंगूर में कितने किलो किशमिश प्राप्त कर सकते हैं। एक नया पैटर्न था, ग्रेप्स कंटेन्स 68% वाटर वाइल रेसन्स कंटेन्स 20% वाटर, हाउ मेनी केजी ऑफ रेसन्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 250 kg ऑफ राइस ग्रेप्स। तो बच्चे दो चीज़ें यहाँ पर, दो तरीके के आपके चीज़ें, एक अंगूर है, एक आपका किशमिश है। अंगूर में 68% पानी है, किशमिश में 20% पानी है। बच्चे देखो पानी जो होता है ना बेटा, जैसे ज़्यादा धूप पड़ेगी, एक चीज़ बताओ, जैसे आप मार्केट गए तरबूज लेने, तरबूज सुबह सुबह क्या होता है, तरबूज में जो दुकानदार होता है पानी ज़्यादा छिड़कता है, पानी ज़्यादा मारता है तरबूज के अंदर, तो तरबूज का वजन वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे धूप पड़ती है, धूप, तो तरबूज का वजन क्या होता है, ज़्यादा कम होता जाता है। क्यों होता जाता है कम,
क्यों होता जाता है कम बेटा, क्यों होता जाता है कम? क्योंकि क्योंकि उसमें पानी ज़्यादा था। जैसे यदि पानी सूखेगा तो तरबूज का वजन भी कम होगा। एक एग्जाम्पल और सिखाता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आपका एक पेन है जिससे मैं लिख रहा हूँ, ये आपका पेन है, ये पूरा सूखा पेन है। अगर मैं इसको पूरा तरीके से, अभी इसका वजन मान लीजिए 5 ग्राम है, अभी इसका वजन कितना है 5 ग्राम है, सूखा है बिल्कुल पेन। अगर मैं इसको पानी में डुबो दूँ, पूरा पानी में डुबो दूँ, फिर इसका वजन तोलूँ तो वजन आएगा मान लीजिए 7 ग्राम। तो वजन तो पहले 5 ग्राम था, अब वजन आ रहा 7 ग्राम। 2 ग्राम वजन क्यों बढ़ा? क्योंकि इसके ऊपर पानी है। जैसे जैसे धूप पड़ेगी, जैसे जैसे पानी सूखेगा, जैसे जैसे पानी सूखेगा ऑटोमेटिकली 5 ग्राम वजन आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है, चाहे पेन आपका सूखा हो और चाहे पेन आपका गीला हो, तो जो पेन का एक्चुअल वजन है वो हमेशा क्या होता है बच्चे, वो हमेशा क्या होता है बच्चे, वो हमेशा सेम होता है। तो वो सूखा पेन भी 5 ग्राम का है और गीला पेन भी एक्चुअल वजन 5 ग्राम का, 2 ग्राम जो बढ़ा वो पानी के चक्कर में बढ़ा। तो ये चीज़ समझ में आती है कि जो एक्चुअल वजन होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट हम लोग नोट करके लिखेंगे। ठीक है, चाहे फल सूखा हो या ताजा, चाहे फल सूखा हो या ताजा, ठीक है, छिलके का वजन, छिलका मतलब हिंदी में बोलते, इंग्लिश में बोलते हैं पल्प, छिलके का वजन दोनों केस में सेम रहता है, दोनों केस में सेम रहता है। ठीक है, देखो अब देखो आपके सामने, देखो यहां लिखेंगे हम अंगूर और यहां लिखेंगे हम किशमिश। ठीक है बच्चे, बताओ अंगूर में कितना परसेंट पानी था, अंगूर में कितना परसेंट पानी था, वाटर कितना था, वाटर अंगूर में 20% वाटर था। अगर 20% वाटर है, दुनिया की कोई भी चीज 100% होती है, अगर 20% वाटर है तो इसमें पल्प कितना होगा, पल्प होगा, इसके अंदर छिलका कितना होगा, 80% छिलके का वजन होगा। ऐसे किशमिश में देखो, किशमिश में पानी कितना है, किशमिश में 20% पानी है, सॉरी अंगूर में 68% पानी था बेटा, अंगूर में 68% पानी था। अगर अंगूर में 68% पानी है, अंगूर में 68% पानी पानी है, तो छिलके का वजन कितना है, 32%। ऐसे किशमिश में 20% पानी है, जब 20% पानी है तो पल्प का मतलब छिलके का वजन कितना होगा, 80%। और आप अच्छी तरह जानते हो कि छिलके का वजन दोनों अवस्था में क्या होता है, सेम रहता है। तो 250 किलो, तो अंगूर का वजन कितना है, 250 किलो। इस 250 किलो अंगूर में से कितनी किशमिश निकाल सकते हो, तो इसका वजन मैं मान लेता हूँ x किलो किशमिश निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है छिलके का वजन दोनों अवस्था में सेम रहता है। तो कुछ नहीं करना, आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना आंसर, आपका एक लाइन में आएगा इतना अच्छे क्वेश्चन का आंसर कि 250 किलो अंगूर में कितना पल्प है, 32%। तो इसका जो 32% होगा वो बराबर किसके होगा, किशमिश का टोटल वजन मैंने एक्स किलो माना है और किशमिश में कितना पल्प है, 80%। तो बस ये आपको लाइन समझ में आनी चाहिए, ये आपको लाइन समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या कि 250 का 32% ही एक्स के 80% के क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है। 250 का 32% ही एक्स के 80% के क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों पल्प का वजन दोनों केसों में क्या रहता है बच्चे, समान रहता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व, अब इसको कैंसिल आउट कर दे, सॉल्व कर दे, आपका आपका आंसर हो जाएगा। देखिए परसेंट से परसेंट हट रहा है, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80 और 5 से 250 कटेगा कितनी बार, 50 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 किलो। ठीक है, तो किशमिश कितनी निकाली जा सकती है, 100 किलो किशमिश आपकी निकाली जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चे, तो इस चीज़ समझनी है, चाहे फल सूखा हो चाहे फल ताज़ा हो, छिलके का वजन, छिलके को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पल्प, छिलके का वजन दोनों केस में क्या रहता है, सेम रहता है। अंगूर में जो छिलका था 32% था, किशमिश में जो छिलका था वो 80% था। तो 250 का 32% बराबर किसके, x के 80% के बराबर है। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 100 kg। कितनी, एक लाइन में बच्चे, एक लाइन में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए नोट लिखवाया, अगर आप जानते हो या आप एक बार सीख गए तो इस नोट की भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अंगूर में 33.33% पानी है। देखो सबसे पहले तो ये देखो, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, 33.33% पानी है। ये मैंने लिखवाया आपको चार्ट में, 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3, 1/3 पानी है ना। किशमिश में 16.66% पानी है। रेशन सेट 16.66% कंटेन्स वाटर, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। तो यहीं लिखेंगे पहले, बाद में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो यहां लिखेंगे अंगूर, यहां लिखेंगे किशमिश, ठीक है। अच्छा अंगूर में कितना परसेंट पानी है बच्चे, पानी कितना है, पानी, और ये हो जाएगा पल्प छिलका। जो अंगूर में 1/3 पानी है बेटा, 3 में से 1 पानी है, तो पल्प कितना होगा, 2/3 ही पल्प होगा। फिर अगर 3 में से 1 पानी है तो 3 में से 2 पल्प होगा। ऐसी किशमिश देखो, किशमिश में वाटर कितना, वाटर 1/6। जब 1/6 वाटर है तो पल्प कितना होगा बेटा, पल्प पल्प होगा 5/6। कहने का मतलब 6 में से अगर 1 पानी है तो 6 में से 5 पल्प है। अब क्या बोल रहा है, तो 180 किलो किशमिश में, किशमिश का टोटल वजन कितना दे रखा है, 180 किलो, 180 किलो किशमिश में कितने किलो अंगूर प्राप्त कर सकते हैं, तो अंगूर का वेट मैंने मान लिया x किलो। तो बस कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन जो पहले सिखाया था आपको मैंने, कि x किलो में कितना पानी, कितना पल्प था बेटा, पल्प का वजन दोनों केसों में सेम रहता, कितना पल्प था, 2/3। x का 2/3 बराबर कितने के मेरे प्यारे बच्चों, 180 किलो के 5/6 के, ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू में मैंने डील करवाया, क्योंकि यहाँ पे जो परसेंटेज दे रखी थी वो अप्रॉक्स में दे रखी थी। 33.33% का मतलब होता है 1/3, और 16.66 का मतलब होता है 1/6। ये मैंने आपको चार्ट में प्यारे बच्चों लिखवा चुका हूँ ऑलरेडी। अब इसको आप एक्स की वैल्यू कैंसिल, इसको आप सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो 2 से काटा 80 कितनी टाइम्स, 90 टाइम्स, 3 से 6 काटा 2 टाइम्स, और 2 से 90 45, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 45 मंजे 225 किलो। तो कितने किलो अंगूर बनाए जा सकते हैं, 225 किलो अंगूर बनाए जा सकते हैं। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, 225 किलो अंगूर बनाए जा सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। नेक्स्ट, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक बार आप ट्राई करिए, आंसर निकालिए। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ वाटरमेलन कंटेन्स 90% वाटर, एक तरबूज में 90% पानी है, आफ्टर सम टाइम वाटर रिमेन्स 12%, कुछ समय के बाद पानी 12% बचा। तो देखो शुरू में 90% पानी था, मतलब शुरू में फल ताज़ा था, तरबूज ताज़ा था, तो 90% पानी था उसके अंदर। जब धूप पड़ गई तो पानी कितना रह गया, केवल 12% रह गया। If the present weight of the watermelon is 50 kg, find the initial weight of the watermelon. एक तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय के बाद इसमें केवल 12% पानी है, अगर और इसका वजन 50 किलो है, और इसका वजन कितना रह गया इस समय, 50 किलो, तो प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चे, प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं मान लेता हूँ प्रारंभिक वजन x किलो है, पहले वजन x किलो है, और आज इस तरबूज का वजन कितना है बेटा, 50 किलो आज, ठीक है। पहले x किलो मान लिया, अब आज 50 किलो है, दिया हुआ है। अच्छा पहले x किलो माना, पहले वाटर कितना था तरबूज के अंदर, वाटर पहले वाटर था 90%। अगर पहले वाटर 90% था तो पल्प कितना होगा, पल्प कितना होगा, 10%। पल्प कितना होगा बेटा, 10%, ठीक है। और आज जो है वाटर कितना है इसके अंदर, वाटर आज केवल 12% वाटर बचा है, तो आज 12% वाटर है, तो पल्प कितना होगा, पल्प का मतलब छिलका, 88%। इन दोनों का टोटल 100% होना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज 100% होती है, इन दोनों का टोटल 100% होना चाहिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है आपको, तो कुछ नहीं करना, बस आपको अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करना है, अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन करना है कि x kg में,
एक्स केजी में पल्प पे आपका 10% और 50 किलो में पल्प आपका कितना है 88%। 88% समझ में आया, बस आप इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। ये देखो एक्स से आपका एक्स जा रहा है, परसेंट से आपका परसेंट जा रहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 440 किलो। तो तरबूज का प्रारंभिक वजन कितना था 440 किलो। मैं उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को जो सेशन को देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एक्स बराबर आ गया आपका 440 किलो, ऑप्शन नंबर आपका डी इज करेक्ट। समझ में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको, सारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट, ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन बिकम 4/5, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन बहुत आपका आता है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार आता है। किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 20% की कमी करने पर परिणामी भिन्न 4/5 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखो भिन्न आप जानते हैं, मैं मान लेता हूँ, मैं पहले बेसिक से आपको सिखाता हूँ। मैं मान लेता हूँ लेट ओरिजिनल जो परिणामी भिन्न है, जो मूल भिन्न है, लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन मैं मान लेता हूँ लेट ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल टू एक्स बाय वाई, यही आपसे पूछ रहा है। तो ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना है, एक्स बटा वाई लिख दो आप। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश में 20% की वृद्धि हो गई। देखो अगर कोई भी वैल्यू को आप 20% बढ़ा रहे हो तो अपने आप में वो कितना परसेंट हो रही है, 120% हो रही है, नहीं हो रही है वैल्यू। अगर कोई भी परसेंटेज अगर 20% बढ़ रहा है तो वो वैल्यू कितनी हो रही है, 100 में जोड़ दीजिए 120%, और हर में 20% की कमी हो गई तो वो वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, हर कितनी हो रही है 80%। कमी हो रही है तो 100 में से घटा दिया, वृद्धि हो रही है 100 में से जोड़ दिया, तो एक्स इंटू 120% अपॉन वाई इंटू 80%। तो ये जो भिन्न है वो कितनी हो गई आपकी 4/5 हो गई, वो भिन्न कितनी हो गई आपकी 4/5 हो गई, वो भिन्न कितनी हो गई आपकी 4/5 हो गई। समझ में आया, ये आपको बेसिक बता रहा हूँ पहले, है ना। ओरिजिनल फ्रैक्शन को मैंने एक्स बटा वाई मान लिया, अंश में 20% की वृद्धि हो गई तो हर अंश हो गई आपकी 120%, हर में 20% की कमी हो गई तो हर हो गई आपकी 80%, और रिजल्ट जो आ रहा है वो 4/5 है, तो आपका मूल भिन्न क्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आप इसको आप सॉल्व कर दीजिए, देखो 40 के टेबल से परसेंट से, तो परसेंट 40 के टेबल से ये 3 टाइम्स और 40 के टेबल से ये 2 टाइम्स। समझ में आया बच्चे, जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 8y, और आपको रिजल्ट किसका निकालना, आप रिजल्ट बताना है आपको एक्स वाई वाई, तो एक्स 8 है, वाई आपका 15 है, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/15, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 8/15 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, लेकिन अगर आपको इसको डायरेक्टली करना है, मतलब विद इन 5 सेकेंड्स करना है, तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने हल्का सा बॉक्स बनाया, अपने आप को मैं हाइड कर देता हूँ, मैंने हल्का सा बॉक्स बनाया। आप देखो आपको इस टाइप का क्वेश्चन देगा, 100% देगा, जिसमें मूल भिन्न पूछेगा, तो वृद्धि या तो अंश में कमी होगी, वृद्धि कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखो आपका परिणामी भिन्न कितनी है, 4/5, पहले 4/5 लिखो, 4/5 लिख दो उसको, जो परिणामी भिन्न है पहले वो लिख दो, 4/5 लिख दिया मैंने। अब देखो अंश कितने परसेंट बढ़ाया आपका, 20% बढ़ाया, तो बेटा कितना हो गया अंश, 120% हो गया। आप जानते हो कि अंश ऊपर आता, तो यहां पर ट्रिक लगाते समय इसको नीचे लिख दो, उल्टा लिख दो, इसको नीचे लिख दो 120%, और हर कितना कम हुआ 20%, तो हर ऊपर लिख दो 20%, ऐसे। तो अंश को नीचे लिख दिया परसेंट में, हर को ऊपर लिख दिया परसेंट में, कमी हुई है तो घटा दिया हर में,
80% हो गया था ना, और अंश में 20% का इंक्रीजमेंट हो तो 120% हो गया। अब इसको कैंसिल आउट कर दे, सॉल्व कर दे, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 40 के टेबल से 2 टाइम्स, 40 के टेबल से 3 टाइम्स, तो आंसर कितना हो गया आपका 8/15। यही आपके क्वेश्चन का क्या बच्चे आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आ गया बच्चे, इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, आपके लिए बेनिफिशियल होंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो समझने वाली बात क्या है, इसमें शॉर्टकट क्या है कि परिणामी भिन्न आपको ऐसे लिखना है जो भी दी हुई है, अंश को 20% का इंक्रीजमेंट हुआ तो अंश को नीचे लिखना है 120%, और हर में 20% डिक्रीजमेंट हुआ तो 80% ऊपर लिखना है। सॉल्व करेंगे 8/15 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, नेक्स्ट बिल्कुल उसी टाइप से करेंगे, ठीक है। इसको पढ़ो एक बार, करने का प्रयास करो। किसी भिन्न के अंश में 20% का वृद्धि हुआ है और हर में 350% का वृद्धि, दोनों केसों में यहाँ पर इंक्रीजमेंट ही हो रहा है, ठीक है। 200% का वृद्धि अंश में और 350% का वृद्धि हर में, और जो परिणामी भिन्न है, जो रिजल्ट है आपका फ्रैक्शन का, वो आ रहा है 5/12। तो आपको क्या पूछ रहा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन आपसे पूछ रहा है। फटाफट इसको कर दीजिए, फटाफट इसको कर दीजिए बच्चे, फटाफट क्विक एंड फास्ट। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा। ठीक है, अब ये देखो पहले 5/12 मैंने लिख दिया परिणामी भिन्न, ठीक है। अब देखो अंश में 20% का वृद्धि हुआ तो नीचे लिखेगा अंश, तो 200% का वृद्धि हुआ, 200% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया, 300% हो गया। अच्छा हर में कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 350% का, तो ये हो गया 450%, ये हो गया 450%। अब इसको कैंसिल आउट कर दिए सारे बच्चे, ये देखो 15 3 45 और 15 2 30, 0 से 0 काट दी, 3 से 12 कितनी बार, 4 बार, तो आंसर कितना हो गया आपका डायरेक्टली 5/8। डायरेक्टली आंसर कितना हो गया बच्चे, 5/8 डायरेक्टली आपका क्या हो गया बच्चे आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, डायरेक्टली आपका आंसर हो गया 5/8। मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चों को चीज़ें क्लियर होंगी, चीज़ें समझ में आ रही होंगी बच्चों आपको। ठीक है, वीडियो को बच्चे लाइक करते रहिए, है ना, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंडों के साथ। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लग रहा, ना आपकी उंगली में दर्द हो रहा है, ना आपके अंगूठे में दर्द हो रहा है ना, बस एक तरीके से आपकी फैकल्टी जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है मुझे कि हाँ बच्चे चीज़ें पसंद कर रहे हैं, ठीक है। और भी कुछ भी नहीं, और अच्छे अच्छे कंसेप्ट है बेटा मेरे पास, अभी तो एक ही टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, आपको पूरा मैं कवर कराऊंगा अर्थमेटिक प्लस एडवांस, तो आप देखिए कितना मजा आपको आने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियो कंटिन्यू रहे आपकी इस टाइम में, अगर आपको मैं कंटिन्यू पढ़ाता रहूँ तो आपको वीडियो को बच्चे शेयर करना पड़ेगा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उस केस में। समझ में आया बच्चे, नेक्स्ट नेक्स्ट नया पैटर्न आ गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन द एग्जामिनेशन आ स्टूडेंट गॉट 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, एंड फेल बाय 5 मार्क्स। एक बच्चा जो है 20% मार्क्स लेके आया, जितने टोटल मार्क्स का 20% लेके आया और 5 अंकों से फेल हो गया। अनदर स्टूडेंट हु स्कोर 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड गेट 20% मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, और एक दूसरा विद्यार्थी इसी परीक्षा में 30% मार्क्स लेके आया और 20 अंक ज़्यादा लेके आया पासिंग मार्क्स से। द नेसेसरी परसेंटेज ऑफ रिक्वायर्ड ऑफ पासिंग मार्क्स इज, तो कितने प्रतिशत आपके पासिंग मार्क्स होने चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है बच्चे। तो इसको करने के 500 तरीके, एक सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, कोई भी क्वेश्चन में मैं एक्स का बिल्कुल भी यूज नहीं करूंगा। एक प्रैक्टिकल सोचो, जैसे मैं हूँ, मैं कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ स्कूल में, अपने स्कूल में मैं 20% मार्क्स लेके आया और 5 अंकों से मैं फेल हो गया, तो बेटा मैं कितने लेके आया था, 20% लेके आया था,
और मैं 5 अंकों से फेल हो गया, अगर ये 5 अंक मुझे मिल जाते तो मैं पास होता नहीं होता मिनिमम पर, तो अगर मैं 5 अंक को अपने आप को दे दूँ तो मैं पास हो जाऊँगा नहीं हो जाऊँगा पास? 20% प्लस 5 ये मेरे क्या होंगे बच्चे, मिनिमम मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे नहीं होंगे बच्चे? अच्छा, दूसरा बच्चा 30% मार्क्स लेके आया और कितने अंक ज्यादा लेके आया, 20 अंक ज्यादा लेके आया, 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स, ये 20 अंक ज्यादा लेके आया। तो अगर इस 30% में से मैं 20 मार्क्स घटा दूं तो ये भी कौन से मार्क्स होंगे बच्चे, ये भी कौन से मार्क्स होंगे, ये भी होंगे आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे नहीं होंगे, और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों? क्योंकि ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स और ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो 20% प्लस 5 जिस इक्वल टू 30% माइनस 20, तो 10% इक्वल टू 25। ठीक है, तो 1% इक्वल टू 2.5 है ना, 1% इक्वल टू 2.5। अगर क्वेश्चन में आपसे ये पूछता, मान लीजिए क्वेश्चन में ये पूछ लेता बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लेता बताइए मैक्सिमम मार्क्स कितने एग्जाम के अंदर, तो मैक्सिमम मतलब 100%, तो 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता तो 1% की वैल्यू अगर 2.5 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 250 मार्क्स होगी नहीं होगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मिनिमम 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 पासिंग मार्क्स पूछ रहा है आपसे, वो भी परसेंट में पूछ रहा है ना। तो आपको पता है ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है, आपको पता है, देखो समझो एक बार क्वेश्चन को, आपको ये पता है ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है और आपको पता है ये भी आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है, बोलो बच्चे आपको सब पता है, तो इसको परसेंट में निकालना है। तो ये बताओ 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर है, 1% के बराबर है, 2.5 अंक 2.5 अंक 1% के बराबर है, यहाँ पे 20% तो ऑलरेडी परसेंट में दिया हुआ, प्लस 5, ये अगर ये 5 को मैं परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ, अगर ये वाले 5 को मैं परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ परसेंट में, तो ये मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंट में आ जाएंगे। तो ये देखो 2.5 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 मार्क्स कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेगा, 2.5 का गुणा 2 करेंगे 5 आएगा, तो ये भी 2, तो कितना आएगा ये 2%, ये कितना आएगा बच्चे 2%, है ना 2%। इसका मतलब मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे 20% और 5 मार्क्स का मतलब 2%, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे बेटा 22%। आप यहां से भी निकाल सकते हो, आप यहां से भी निकाल सकते हो, कैसे, आप यहां से भी निकाल सकते हो बच्चे, समझ में आ रहा है, आप यहां से भी निकाल सकते हो कैसे बच्चे, इधर देखो ये 30% माइनस 20 है, अगर मैं 20 को परसेंट में कन्वर्ट कर लूं कैसे करोगे, आप अच्छी तरह जानते हो, मैं अपने आप को हाइड कर देता हूं, ये देखो आप अच्छी तरह जानते हो कि आप अच्छी तरह जानते हो कि 2.5 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 20 मार्क्स कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, 2.5 को 8, 20 बनाने में 8 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 8 का मल्टी 8%, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 30% माइनस 8%, यहाँ भी 22% आएंगे नहीं आएंगे आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंट में। समझ में आया, मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, मेरे शब्दों पर आप सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखो मैं अपने आपको हाइड कर दिया हूँ क्योंकि आपका कुछ कट रहा था, आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को समझने का आप प्रयास करिए सारे बच्चे, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोला था एक बच्चा 20% मार्क्स लेके आया और 5 अंकों से फेल हो गया, तो अगर इसको पास करना हो तो 20% प्लस 5 करना पड़ेगा, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स होंगे नहीं होंगे। इसी प्रकार बच्चे दूसरा बच्चा 30% लेके आया, 20 अंक ज़्यादा लेके आया, इसके 20 अंक घटा दीजिए तो 30% माइनस 20 होंगे नहीं होंगे, ये इसका मिनिमम मार्क्स हैं, ये भी इनके मिनिमम पासिंग मार्क्स हैं। तो यहाँ पे इनको कैलकुलेट किया 20% प्लस 5, 30% माइनस 20, तो 10% की वैल्यू 25, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 2.5, 1% की वैल्यू कितनी होगी बच्चे 2.5। अब आपको निकालना है कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं परसेंट में, तो ये बताओ ये मिनिमम पासिंग मार्क्स ही तो हैं, लेकिन यहाँ पे जो 5 है ना ये परसेंट में नहीं है, तो इस 5 को परसेंट में कैसे लाओगे, ये बताओ 2.5 मार्क्स 1% को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 मार्क्स कितने रिप्रेजेंट करेंगे, ये बताओ 2.5 को 5 बनाने में कितने गुणा करोगे 2 का, तो यहाँ भी 2 का, तो 5 मार्क्स 2% को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 की जगह 2% लिख दो आप, तो 20 प्लस 2 दैट इज 22%,
इसी प्रकार अगर इससे नहीं करना चाहते तो इससे कर लो। ये बताओ मिनिमम मार्क्स कितने हैं पास होने के लिए, 30% माइनस 20, इस 20 को परसेंट में ले आओ। कैसे लाओगे, जब 2.5 मार्क्स आपका 1% को रिप्रेजेंट करता है तो 20 मार्क्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इंटू 8, 2.5 को 20 बनाने में 8 का मल्टीप्लाई करोगे नहीं करोगे, डिवाइड लगा दो तो 8 का यहाँ 8, तो मतलब 20 मार्क्स की जगह 8% लिख दो, 30% माइनस 8%, तो ये भी कितना होगा बेटा, 22%। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता मैक्सिमम मार्क्स पूछ लेता तो मैक्सिमम मार्क्स तो 100% होते हैं, तो 1% की वैल्यू अगर 2.5 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 250, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ जाते बेटा, 250। समझ में आया बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बनाइए, आप बनाइए बच्चे इसको। बनाइए बच्चों जल्दी, कोई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक बच्चा बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक बच्चा 28% मार्क्स लेके आता है और कितने अंकों से फेल होता है, 12 अंकों से फेल होता है, तो क्या करो इसको 12 अंक दे दो, तो 20% प्लस 12 ये पास हो जाएगा मिनिमम पर, यह पास हो जाएगा मिनिमम पर। इसी प्रकार बराबर दूसरा बच्चा कितने परसेंट लेके आता, 32% है ना, और कितने अंकों के ज़्यादा लाता, 4 अंक ज़्यादा लाता, 4 अंक माइनस कर दो, ये भी मिनिमम पास हो जाएगा मिनिमम पर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो आप, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये 4% इधर आ जाएगा, 4% की वैल्यू हो जाएगी 16, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 4, 1% की वैल्यू हो जाएगी 4, है ना। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता मैक्सिमम मार्क्स बताइए, मैक्सिमम तो कितना बोलते, 100% होता ना मैक्सिमम, तो आंसर कितना बोलते, 400, आंसर कितना बोलते, 400। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, आपको मिनिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो ये बताओ आपको इस बार मार्क्स पूछ रहा है, परसेंट में नहीं पूछ रहा, आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछ रहा है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक ज्ञात कीजिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स, तो आप जानते हो ये जो ब्रैकेट है ये मार्क्स ही तो है मिनिमम वाले, परसेंट में नहीं पूछ रहा इस बार। तो ये बताओ बेटा 28% प्लस 12, इस 28% की वैल्यू को मैं मार्क्स में कन्वर्ट कर लूं तो मिनिमम मार्क्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे बताइए, ये बताओ आप मुझे सारे बच्चे बताइए। 1% की वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट करती है, 1% की वैल्यू 4 को रिप्रेजेंट करती है, तो 28% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 28 गुणा 4, ठीक है, 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, तो 28% की वैल्यू कितनी आ गई, 112, तो मिनिमम मार्क्स कितने होंगे, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे, 112 प्लस 12 कितने होंगे, हो जाएंगे बेटा 124, या फिर और करते हुए ये बताओ, ये भी मिनिमम मार्क्स है ना, 32% माइनस 4, तो ये बताओ 1% की वैल्यू, थोड़ा अपने आपको मैं हाइड कर देता हूं, ठीक है, इधर देखो, तो ये बताओ 1% की वैल्यू किसके बराबर है, 1% की वैल्यू 4 के बराबर है, 1% की वैल्यू 4 के बराबर है, 32% की वैल्यू किसके बराबर होगी, 32% के, तो देखो 4 दूनी 8, 4 3 12, 128 के बराबर होगी, तो मिनिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे भी, 128 माइनस 4, तो हो जाएंगे 124। समझ में आया बच्चे, 124 समझ में आया, लेकिन यहाँ पे आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स पूछे तो आपका आंसर ये रहा। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता परसेंट में बताइए, मिनिमम पासिंग मार्क्स परसेंट में बताइए, तो कुछ नहीं करना था, परसेंट में कन्वर्ट कर लो आप, तो 28% तो ऑलरेडी परसेंट में है ही, 12 को परसेंट में कन्वर्ट कर लो, ये बताओ 4 मार्क्स, ये बताओ ये 4 मार्क्स जो है 1% को रिप्रेजेंट करता है, तो 12 मार्क्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3% को, तो अगर परसेंट में पूछ लेता मिनिमम, तो क्या करते 28% और 12 मार्क्स की जगह 3% लिख देते,
तो कितना आ जाता, 31% आपका आंसर आ जाता। या फिर इसको देख लो, 32% माइनस 4, 4 मार्क्स के बराबर 1%, तो 31% आंसर आता नहीं आता। तो अगर आपसे पूछ लेता मिनिमम मार्क्स बताइए परसेंटेज में पास होने वाले, तो आंसर कितना देते आप, 31%। लेकिन वो मिनिमम परसेंट मार्क्स तो पूछ रहा है लेकिन परसेंट में नहीं पूछ रहा, एक्चुअल मार्क्स पूछ रहा है, तो आंसर कितना होगा, 124। समझ में आया बच्चों आपको? तो आंसर इस क्वेश्चन का कितना हो जाएगा यहां पर, 124। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चों को चीजें क्लियर होंगी, है ना? बेटा कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत या कोई परेशानी हो तो बच्चे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 42 इन एग्जामिनेशन हु गेट, आप स्टूडेंट गेट, देखो 30% मार्क्स लेके आया, 30% मार्क्स लेके आया और कितने अंकों से फेल हो गया, 15 से, प्लस 15 कर दिए बराबर। दूसरा बच्चा 46% मार्क्स लेके आया और कितने अंकों से ज़्यादा लाया, 33, माइनस 33 कर दिए। तो यहाँ पे देखो 16% की वैल्यू 48 के बराबर हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी, 1% की वैल्यू 3 के बराबर हो जाएगी। अब देखो पूछ क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स, एक तो मैक्सिमम मार्क्स पूछ रहा है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू, जब 1% की वैल्यू 3 है तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 300, ये तो हो जाएंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स 300, मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे 300। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर द पासिंग, आपको पूछ रहा है मिनिमम परसेंटेज पूछ रहा है पासिंग के, तो बताओ ये पासिंग मार्क्स ही तो हैं आपके मिनिमम वाले, ये पासिंग मार्क्स ही तो हैं आपके मिनिमम वाले बेटा। तो एक चीज बताओ, इस 15 को परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ या इस 33 को परसेंट में कन्वर्ट कर लूँ, एक चीज बताओ, 3 मार्क्स का 1% होता है तो 15 मार्क्स का कितना परसेंट होगा, 15 मार्क्स का आप बताइए, इंटू पाँच कितना होगा बेटा, 5% होगा, 15 मार्क्स की वैल्यू 5%, तो मिनिमम 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 परसेंटेज मार्क्स कितने हो जाएंगे बेटा, 35%। समझ में आया, 35% समझ में आ रहा है बच्चों, इसको मैं अपने आप को हाइट के 35%। या फिर देखो 33 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर हो जाएंगे, 11% के, क्योंकि 3 की वैल्यू 1%, तो 33 की वैल्यू 11% की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ भी देखो कितना आ जाएगा, 46 माइनस 11, यहाँ भी 35% आ रहा है, आप देख लो आप। तो आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, मैक्सिमम 300, और आपके मिनिमम परसेंटेज मार्क्स कितने हो गए, मिनिमम परसेंटेज मार्क्स कितने हो गए पास होने वाले, 35। तो आपका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कितना आंसर हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। समझ में आया, मैं उम्मीद करता हूँ सारे विद्यार्थियों को चीज़ें क्लियर होंगी, है ना? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? समझ में आ रहा है प्यारे स्टूडेंट्स? दैट्स वेरी गुड। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए। तो बच्चों कैसा लगा आज का सेशन आपको? देखो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, इतने ही क्वेश्चंस मैं लेके आया था, धीरे धीरे क्वेश्चंस को सीखेंगे। आज में हमने 3 से 4 टाइप सीखे, एक तो ग्राफ्स वाला सीखा है, रेशो वाला सीखा है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला कंसेप्ट सीखा था, और मैंने आपके साथ साथ ये परसेंटेज मिनिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन भी सिखाए थे, ये बहुत आते हैं आपके एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद इन सभी कंसेप्टों को आप याद रखेंगे और आप कभी भी चीज़ों को भूलेंगे नहीं बच्चों। आपको पता है ये मंथ एंड सुपर सेल थी, जो ऑफर को एक्सटेंड किया गया है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपका कोड क्या है, U195, इस कोड के द्वारा आपको 32% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड के संग भी ये इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी काउंसलिंग, आपको कुछ भी ज़रूरत है, कोई भी चीज़ पूछनी, तो ये आपका फ्री काउंसलिंग नंबर है, आप यहाँ पर केवल मिस्ड कॉल करिएगा इस नंबर पर। ठीक है, कोई भी जानकारी चाहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट adda247.com पर जाकर विजिट करिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए। तो कैसा लगा आपको वीडियो बच्चों, जरूर बताइए कमेंट में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूँगा। ठीक है।
ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड के संग शेयर करिएगा, और जो बच्चे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं आपके अपने चैनल एसएससी अड्डा को सब्सक्राइब भी करिएगा बच्चों, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इसी टाइमिंग पर इसी जोश के साथ एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने मम्मी डैडी का ख्याल रखिए, ठीक है बच्चों। तो सेशन को मैं एंड करूँगा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल दी बेस्ट।